नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मकान संपत्ति से आय क्या होता है, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यह आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखें, समझें और जाने। फिर अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हमसे जरूर पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। मकान संपत्ति से आय का मतलब क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय से तात्पर्य मकान मालिक को प्राप्त उस आय से है जो उसके मकान को किराए पर उठाने से किराएदार के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर एक सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई भी मकान मालिक है, यानी उसका कोई मकान है, तो उस मकान को उसने किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी कंपनी को, यानी कोई भी टैक्स पेयर हो सकता है, तो उसको दिया गया है किराए पर। और उस दशा में जो भी मकान मालिक को आय प्राप्त हो रही है उसे कहा जाएगा मकान संपत्ति से आय, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें एक उदाहरण है, समझते हैं। अनिल एक व्यवसायी है, यानी बिजनेसमैन है, जिसके पास दो मकान है। उसमें से उसने एक मकान को मनीष को 10,000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया हुआ है। इस दशा में अनिल को मनीष से किराए के रूप में जो धनराशि 10,000 रुपये प्राप्त हो रही है उसे मकान संपत्ति से आय कहते हैं। इस बात को आप लोग समझेंगे, यानी छोटा सा एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति है अनिल जो एक बिजनेसमैन है, उसके पास दो घर है। एक घर में हो सकता है वो स्वयं रहता हो, दूसरे घर को उसने किराए पर दिया हुआ किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये पर महीने पर, और यहाँ पर वह घर मनीष को दिया गया है एग्जाम्पल में, जैसे कोट किया गया है। तो मनीष के द्वारा अनिल को जो 10,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है किराए के रूप में अनिल के घर में रहने के लिए, उसको कहा जाएगा मकान संपत्ति से आय अनिल के लिए, क्योंकि मकान का मालिक अनिल ही है। मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत कर लगाने का आधार, यानी बेसिक चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। आपको यहाँ समझना है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हर तरीके के जो भी इनकम होते हैं उन पर टैक्स लगता है। तो उन पर टैक्स जब कभी भी लगता है तो उस एक्ट में, उस अधिनियम में जो भी इनकम टैक्स है उसमें बताया गया है किस सेक्शन में किस इनकम पर टैक्स लगेगा, उसको कहा जाता है चार्जेबिलिटी सेक्शंस ऑफ रेस्पेक्टिव इनकम। तो यहां पर जो भी मकान संपत्ति से आए है उसमें जो भी बातें आएंगी उसको हम लोग समझ लेते हैं। मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत उन्हीं मकानों की आय कर योग्य होगी जिन पर करदाता का स्वामित्व है, तथा वह उन मकानों को अपने व्यापार या पेशे के लिए प्रयोग नहीं करता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि मकान संपत्ति से आय की गणना जब की जाएगी तो केवल उन्हीं मकानों को शामिल किया जाएगा जो मकान किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे हैं जो उसके स्वामित्व में हैं किसी भी करदाता के, तथा वह मकान जो भी मकान संपत्ति से आय में कंसीडर किए जा रहे हैं वे व्यापार या उसके पैसे के लिए प्रयोग में नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है वह उस मकान का प्रयोग अपने बिजनेस पर्पज के लिए, या फिर अगर वो डॉक्टर है तो अपने प्रोफेशन के लिए, टीचर है तो अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसको मकान संपत्ति से आय में शामिल नहीं किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, यानी यहाँ पर जो इनकम टैक्स है उसका सेक्शन 22 ही बताता है किस तरीके से मकान संपत्ति पर टैक्स लगेगा। मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर उन घरों या घरों से लगी भूमि के वार्षिक मूल्य पर लगाया जाता है जिसका करदाता मालिक है,
यहाँ पे समझना है कि केवल उन्हीं पर टैक्स लगेगा, उन घरों पर या फिर जो भी घर है उसके सटी किसी भूमि पर टैक्स केवल उसी पर लगेगा जो उसका मालिक होता है, लेकिन संपत्ति के उस हिस्से का मूल्य जो उसके द्वारा व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है वह गृह संपत्ति के कर योग्य वार्षिक मूल्य में शामिल नहीं होगा, जिसका लाभ आयकर के अनुसार कर योग्य है। इस बात को आपको समझना है, जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है मकान संपत्ति, उसको कभी भी मकान संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, उसकी आय कहाँ शामिल की जाती है? उसको हम लोग शामिल करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। मेरे प्रिय साथियों, यहाँ पे हम लोगों ने मकान संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को बहुत ही शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया और जान लिया। आगे हम मकान संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को और भी डिटेल में बढ़िया से समझेंगे और जानेंगे। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइए, हम फिर से मिलेंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।